अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकाज़ में आपको खुश आमदीद। शाहकाज़ में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ सुजुकी GS 150। ये मेरी पुरानी बाइक जो तकरीबन 2-2.5 साल से एक जगह पे खड़ी थी, उसको रिस्टोर करने का इरादा किया और इसका तमाम प्रोसेस जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, एंड तक लाजमी देखें ताकि आखिर में आपको मालूम पड़े कि इस पे क्या किया हमने इसके साथ। तो हमारे साथ बने रहें, हम आपको इसका तमाम प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं कि किन किन मराहिल से गुज़र के हमने इस गाड़ी की रेस्टोरेशन की तरफ गए और आखिर में क्या इसका नतीजा निकला। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें शाहकार्स। हाँ ना यार, ठीक है यार, उधर ले आओ तेरा उसी वीडियो को।
ਇਧਰ ਆਓ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਮਹਾਈਏ ਚੱਲ 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 ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਪਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जैसा कि आपने देखा कि हम इसकी रिस्टोरेशन करवा रहे हैं मिस्त्री से, लेकिन इसमें हमें मिस्त्री साहब ने ये मशवरा दिया कि बेहतर यही है कि आप इस गाड़ी को जैसे है वैसे बंद कीजिए और इस शॉप के साथ ही मार्केट है, आप वहाँ ले जाएं और इस गाड़ी को वहाँ जाके सेल आउट कर दें। जितनी मुनासिब कीमत मिलती है वो आपके लिए बेहतर है, वरना ये आपके लिए कुआँ है। आप इसके अंदर जितने पैसे देते जाएंगे तो ये गिरते जाएंगे। हमने इस गाड़ी को सेल किया और मार्केट से हमने यामाहा की YBR-G 2016 मॉडल खरीदी और हमारे ख्याल में ये हमने बेहतर फैसला किया क्योंकि उस गाड़ी की अंदर से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब बताइए कि हमने ये फैसला कैसा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।